बात क्या है भैया? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि जिस मोहब्बत का तुम ढोल बजाते फिरते थे, क्या हज कर रहे हो उस मोहब्बत का? हालांकि मैं शुरू से ही प्रियंका के खिलाफ था, लेकिन तुम राहुल, तुम तो उससे बहुत प्यार करते हो ना? क्या सलाह दे रहे हो उसके प्यार का? राहुल, वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। And you're beginning to be unfair to her. अरे ऐसे थोड़ी हार जाएगी मेरी बहन, हाँ? अपने भैया की नाक कटवाएगी? मैंने हर दर्द को तेरे सामने हारते हुए देखा है प्रियंका, हर हादसों को तेरे सामने घुटने टेकते हुए देखा है। अरे कितने बड़े बड़े दुखों पर तूने जीत हासिल की है प्रियंका, क्या मैं नहीं जानता? हाँ भैया, ये आज आपको क्या हो गया? आप भैया की पैरवी कर रहे हैं? भैया आप नहीं जानते कि वो मैं जो नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि प्रियंका ने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। उसके प्यार के साथ कोई शर्त नहीं है राहुल, यहाँ तक कि तुम अपाहिज हो गया राहुल, लेकिन उसके दिल में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। भैया क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? अपने इन पैरों पे चल पाऊंगा? भगवान ने चाहा तो तुम जरूर चल पाओगे, लेकिन राहुल सोचो कि प्रियंका कितनी महान है कि दिल ही दिल में उसने कहीं कबूल कर लिया है कि शायद तुम जिंदगी भर ना चल पाओ। नहीं राहुल, चलेगा, बेशक चलेगा। मुझे भी यकीन है भैया, पर अपनी नहीं, तेरी शक्ति से चलेगा। प्रियंका रास्ता कितना भी पथरीला क्यों ना हो, तू उसका हाथ मत छोड़ना। प्रियंका, अभी तुझे राहुल का ख्याल ऐसे रखना है जैसे हम कांच के सामान का ख्याल रखते हैं। राहुल का आत्मविश्वास महीन कांच ऐसा हो गया है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि तू इस कांच को टूटने नहीं देगी। इन आंसुओं के लिए माफी भैया, ये वक्त नहीं है अपने दुखों में पड़ने का। एक दूसरे से अजनबी होने का यह ढोंग जरूरी है। इस ढोंग से देखा नहीं, दो लोगों की आंखों से आंसू बहना बंद हो गए, किसी ने मुस्कुराना सीख लिया, दोनों घर थोड़े से रोशन हो गए और दो सीनों के अंदर के अंधेरे भी बढ़ गए। अनु दुनिया को चाहे जो भी नजर आया हो, पर हम एक दूसरे से नजर तो मिला सकते हैं ना। तुम भले ही मेरे लिए अजनबी बन जाओ ना, पर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। जिसकी आवाज सुन के दर्द कम होने लगते हैं, जो आवाज जख्म की दवा बन जाती है, ऐसे अजनबी हो तुम। अच्छा किया जो तुम आ गए कुनाल, और मैं ये सिर्फ प्रियंका की वजह से नहीं कह रही हूँ। अपना ख्याल रखना। अब तुमसे इतनी सी बात हो गई है तो जरूर ख्याल रखूंगी। मैं तो कहता हूं कि तुम गलत हो रहा हो। तुम्हारी हालत का असर दूसरों पर क्यों हो? तुम अपनी बेबसी में, अपनी लाचारी में दूसरों को दुख दो, ये तो ठीक नहीं है राहुल। जेठ जी, मुझे मेरे बेबस और लाचार पति से बात करनी है, अकेले में। So excuse us, please. शुरू हो गई दूसरी वर्कशॉप। ये या प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पर मुझे बात करनी है राहुल, और तुम्हें सुननी भी पड़ेगी। ये तुम अपने ऊपर इतना तरस क्यों खा रहे हो राहुल? क्या तुम इस दुनिया में ऐसे पहले बदकिस्मत इंसान हो जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है? क्या लोग बीमार नहीं होते, या लोगों के एक्सीडेंट्स नहीं होते, लोग हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होते? या फिर दुनिया में तुम ही एक ऐसे बेचारे हो जिसके साथ ऐसा हुआ है? या एक मिनट, बात वो नहीं है। तो फिर क्या बात है राहुल, क्या बात है? क्या हो गया है तुम्हें? या क्यों तुम्हें क्या जरूरत थी राज को वहां बुलाने की? मैंने राज को वहां नहीं बुलाया राहुल। ओह कम ऑन पिया, यानी तुम्हारा और राज डॉक्टर होने के साथ साथ अंतर्यामी भी है। बिना बुलाए वहां पहुंच गया। मैं तुमसे कह रही हूँ राहुल कि मैंने राज को वहां नहीं बुलाया। झूठ मत बोलो प्रिया, प्लीज झूठ मत बोलो। और कौन बुला सकता है उसे वहां पर? राहुल, जिस दिन मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत पड़ी ना, उस दिन मैं ये घर छोड़ दूंगी, हमारा ये रिश्ता तोड़ दूंगी। मैं जिन दिलों में प्यार होता है ना राहुल, उन होठों पर झूठ नहीं आते। ठीक है भैया, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि तुमने उसे वहां नहीं बुलाया था, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं? उसके वहां आने से मेरी लाचारी कई गुना बढ़ गई है। या गैर लोगों के सामने मुझे अपने आप पर बिल्कुल तरस नहीं आता। मैं जैसा हूं वैसा हूं, ठीक हूं। लेकिन जब कोई और आकर मेरे सामने मेरी बीवी की हिफाजत करता है तो मुझे अपने आप पर तरस आता है पिया। शर्म आती मुझे अपने आप पर, और इन पैरों पर गुस्सा आता है मुझे। गुस्सा आता है पिया, गुस्सा आता है। क्या कर रहे हो तुम राहुल? तो क्या करूं इस नामर्द राहुल लांबा का मैं, जो अपनी बीवी की हिफाजत तक नहीं कर सकता। अरे कहां का पति, कैसा पति होने के लिए मर्द होना जरूरी होता है। प्लीज राहुल, ऐसा मत कहो। तुम कैसे बेसिर पैर की बातें कर रहे हो राहुल? अरे मुझे तो फक्र है अपने पति पर। I'm so proud of you, राहुल। जीना भी क्या जीना रब्बा यार बिना, रब्बा मेरे रब्बा हुण ना तड़पा। तुम भले ही अजनबी हो जाओ, पर तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँगा। जिसकी आवाज सुन के दर्द कम होने लगते हैं, जो आवाज जख्म की दवा बन जाती है, ऐसे अजनबी हो तुम। सोई नहीं दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात सुबह भी तो हो सकती है निकी, लेकिन मुझे अभी बात करनी है दीदी। मैं जब से आई हूँ मैंने आपको इतना खुश नहीं देखा, आखिर बात क्या है? कभी कभी चांद आपके पीठ पीछे होता है और आपको लगता है अमावस है। गुड नाइट। कल सुबह के सूरज में इतनी आग होने वाली है। कल बहुत कुछ जलने वाला है। Yes, come in. जीजू, मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम्हारे संग तो रैन बिताऊं, कहाँ बिताऊं दिन। रैन का सपना बीत गया, अब दिन में तारे गिन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Get out of here now! अरे तुम तो गार्गी वाला एक्शन रिप्ले कर रही हो। जैसे उसने तुम्हें निकाला था, तुम मुझे कमरे से बाहर निकाल रही हो। इस कमरे में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे हुजूर, हम तो संत आदमी हैं, अपनी नहीं औरों की हसरतें पूरी करते फिरते हैं। तुम यहाँ से जाते हो या मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं? अरे हमारी कौन सी तमन्ना है आपके कमरे में आने की? ना आरजू है ना जुस्तजू। और आजकल हम जो कर रहे हैं अपनी साली के लिए कर रहे हैं, नहीं समझे? अनुष्का, अरे ये क्या कर रही है तुम? हाँ क्या? अरे तुम मुझे धक्का क्यों दे रही हो? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम अनुष्का, 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 तुम बार बार इस तरह से मेरी इंसल्ट क्यों कर देती हो? मैंने कहा ना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम इस तरह से मेरी बेइज्जती क्यों करती हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ अनुष्का, हाथ जोड़ता हूँ कि इस तरह से मुझे धक्के देके कमरे से बाहर मत निकालो। हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे। दीदी, आप जीजू की इंसल्ट क्यों कर रही हैं? इन्हें मैंने यहाँ भेजा था। एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, ये रिश्ता दोबारा नहीं जुड़ सकता। मैं जानती हूँ क्यों नहीं जुड़ सकता आपका रिश्ता। निकी, तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो, पर हमारे बीच में मत पड़ो। बस बेटा बस, थैंक यू। आप ठीक से खा रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चेठानी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग निकी। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। अगर इसे मेरे बारे में बात करनी है तो हम बात नहीं करेंगे। निकी, मैं जानता हूँ कि तुम क्या बात करना चाहती हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो करनी बाकी है। निकी, तुम्हें जो कुछ कहना है ब्रेकफास्ट के बाद मुझसे मिलकर कह देना। अभी ब्रेकफास्ट कर लो। अरे क्या कर रही हैं आप जेठानी जी? आप रहने दीजिए, मैं सर्व कर दूंगी। बैठिए आप। नहीं प्रियंका, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ऐसी ही बात है। आई हो, अब तो हम सबको आपकी सेवा करनी चाहिए ताकि वो नन्हा कान्हा आकर हमें डांट ना लगाए कि आप लोगों ने मेरी मम्मा का तो ख्याल ही नहीं रखा। और प्रियंका बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। मेरी तबीयत को क्या हुआ? राहुल कैसा है? ठीक है, पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार नहीं है। कितना मायूस है वो अंदर से, रोज उसकी मायूसी से लड़ना पड़ता है। समझ ही नहीं पा रही हूँ कि उसकी मायूसी को कैसे दूर की। प्रियंका क्या हो क्या रहा है तुम्हें बेटा? पता नहीं अम्मा। कोई बात नहीं, चलो बैठो, तुम बैठकर अपना ब्रेकफास्ट करो। आओ। कहीं अपनी सेवा करवाने की तैयारी तो नहीं कर रही? तो नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। काश बड़ी बहू की बात सच हो। अनुष्का बेटा, कहीं तुम्हारी बात सच तो नहीं? कहीं प्रियंका भी मुझे दादी बनाने तो नहीं जा रही? मतलब कि प्रियंका मम्मा को दादी बनाने वाली, वो माँ बनने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हर किस नहीं होना चाहिए, हर किस नहीं। जीजू, जीजू आपने खुशखबरी सुनी? लगता है प्रियंका दीदी माँ बनने वाली हैं। Isn't that nice? हेलो डॉक्टर वैद्या, अब वो छोटी बहू की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। अब आपसे क्या छिपाना, आई थिंक वो माँ बनने वाली है। तो आप आ रहे हैं ना? थैंक यू। शायद कोई मुबारक खबर आने वाली। मैंने कहा मुबारक हो बेटा। कैसे छटपटा गया है ऋषभ ये खुशखबरी सुनकर। सच, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। कंग्रेचुलेशंस पिया, अगर ये सच है तो मुझे इस खुशखबरी पर अपनी खुशखबरी से ज्यादा खुशी है, क्योंकि ऋषभ लांबा इस खुशखबरी पर बहुत ज्यादा दुखी है।